दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जहां की लड़कियों के गर्भवती होने के बाद ही उनकी शादी की जाती है, और ये एक ऐसा देश है जहां पर पुरुषों द्वारा सगे मामा की लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का रिवाज है, और यहां पर भागकर शादी करना सामाजिक तौर पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और ये एक ऐसा देश है जहां की लड़कियां घर के अंदर पूर्ण निर्वस्त्र होकर घूमती हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के एक पड़ोसी देश भूटान के बारे में, और आज हम आपको भूटान के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनकर आप पानी पानी हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भूटान भारत और चीन की सीमा से लगा एक खूबसूरत देश है जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। भूटान को थर्ड ड्रैगन की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। भूटान एक पर्वतीय देश है जिसके उत्तरी क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जिसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी कुला कांगरी है। भूटान का 60-70% हिस्सा जंगल से घिरा है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती पर निर्भर रहते हैं, और यहाँ के लोग हमेशा जंगल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इनका मानना है कि धरती पर 60% जंगल का होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है, वहीं इसका नाम ड्रैग्यू है जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। अजीब बात तो ये है कि भूटान के लोग अपने घरों को ड्रैग्यूल कहते हैं जिसका मतलब होता है बर्फीले ड्रैगन का घर। भूटान आज भी बाहरी दुनिया के लिए एक अभूत पहेली की तरह है। आपको जानकर हैरानी होगी, 1974 तक भूटान में विदेशियों को घुसने तक नहीं दिया जाता था। 1974 के बाद विदेशी पर्यटकों को घूमने की आजादी मिली, पर अभी भी सीमित पर्यटक ही भूटान घूमने जा सकते हैं क्योंकि भूटान की सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है। यहाँ की सरकार दक्षिण एशिया के बाहर से आने वाले पर्यटकों से $250 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूलती है, जिससे ये पर्यटन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। दोस्तों भूटान में एक जनजाति ऐसी भी है जहाँ शादी के लिए लड़की को रात को भगाना पड़ता है, और ये कोई हंसी मजाक नहीं है बल्कि मजबूरी है जिसने अब संस्कृति का रूप ले लिया है। पश्चिम बंगाल व भूटान की सीमा के पास प्रकृति की गोद में बसे फोटो पाड़ा में रहने वाली फोटो जनजाति सदियों से इस परंपरा को निभाती आ रही है। दुनिया की इस सबसे छोटी जनजाति के लोगों की संख्या महज 1400 के आसपास है। फोटो समुदाय के लड़कों को जो लड़की पसंद आ जाती है वे उसे रात के अंधेरे में भगा ले जाता है और उसे अपने घर में रखता है। दोनों साथ साथ रहते हैं, और जब लड़की गर्भवती हो जाती है तो दोनों की शादी कर दी जाती है। परंपरा के तौर पर लड़के मामा की लड़की को लेकर भागते हैं और उन्हीं से शादी करते हैं। दोस्तों भूटान में राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से पहला चुनाव 2008 में कराया गया था, और भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश भी है जहाँ 1999 से ही प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है, और 2004 के बाद यहाँ पर प्लास्टिक पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। वहीं शराब और ड्रग्स अभी भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। दोस्तों भूटान के पास अपनी स्थलीय सेना तो है, लेकिन चारों ओर से पर्वतों से घिरे होने की वजह से नौसेना नहीं है, और इसके पास वायुसेना भी नहीं है, और इस क्षेत्र में हमारा भारत इसका ख्याल रखता है। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत ही है क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां पूरी दुनिया में शादी होने के बाद लड़कियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, वहीं भूटान एक ऐसा देश है जहां लड़कों को अपना घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि यहां की सारी जमीन जायदाद लड़कियों के नाम पर ही होती है। दोस्तों जब आप भूटान जाएंगे तो एक बात आपको हैरान कर देगी कि यहां चौराहों पर कहीं भी ट्रैफिक लाइट देखने को नहीं मिलेगी। यहां ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं। ये ट्रैफिक ऑफिसर ही यहां ट्रैफिक को चलने के लिए आदेश देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहां पर ट्रैफिक लाइट न लगाई गई हो। यहां सड़कों पर ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के कारण इनको हटा दिया गया। दोस्तों भूटान अपने जीवन स्तर को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP से नहीं बल्कि सकल राष्ट्रीय खुशी से नापता है। यहां के लोगों का मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है बल्कि खुश रहना है। यहां के लोग पैसे से ज्यादा अहमियत अपनी खुशी को देते हैं। यही कारण है कि भूटान को दुनिया में सबसे खुशहाल देश का नाम दिया गया है। भूटान सबसे खुशहाल और खूबसूरत देश तो है ही, पर ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से भी एक है। भूटान के 70% युवा बेरोजगार हैं, और भूटान की 16% भूमि ही खेती करने के लायक है, जबकि भूटान की 90% आबादी खेती पर निर्भर करती है। यही वजह है कि ये देश प्रति व्यक्ति आय के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। दोस्तों क्योंकि भूटान एक पहाड़ी देश है इसलिए यहाँ हवाएं भी ज्यादा चलती हैं। इसलिए भूटान का मुख्य निर्यात इन हवाओं से बनने वाली बिजली है। ये भारत को पवन बिजली बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। गंगखार पुंजुम ये भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। लोगों की मान्यता के अनुसार ये काफी पवित्र माना जाता है, और यहाँ किसी को भी जाने की आजादी नहीं है। भूटान में 5999 मीटर से ऊंची चोटियों पर चढ़ने की इजाजत नहीं है, और ये सब सरकारी नीति की वजह से है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु ताकिन है जो बकरी जैसी सींग वाला हिरण होता है। भूटान में तीरंदाजी और डार्ट्स दो राष्ट्रीय खेल हैं, और भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने में कामयाब रहा है। तो दोस्तों ये थी भूटान देश से जुड़ी कुछ बेहद अजीब जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।